हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4D क्लास 8 आरएस अग्रवाल में। ये एक्सरसाइज मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन किसी स्टूडेंट ने पूछा इसके 6-7 क्वेश्चन, तो मैंने सोचा पूरी एक्सरसाइज ही कर देते हैं। केवल 10 क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ईजी हुए है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। पहला आंसर हमें दे रखा है 141, बी ऑप्शन में दे रखा है 294, सी ऑप्शन दे रखा है 216 और डी ऑप्शन दे रखा है 496। तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है, हम इन सबके प्राइम फैक्टर करें और 3 का ग्रुप बन जाए, तो इसमें 216 हमने बताया क्यूब कम से कम 30 तक के याद होनी चाहिए, 30 तक के क्यूब। तो जब 6 के आप 216 के फैक्टर करोगे तो प्राइम फैक्टर ये आएंगे 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। तो 3 का पेयर बनना है, पेयर से मतलब 3 का ग्रुप बनना है और 2 का ग्रुप। तो एक परफेक्ट क्यूब क्या होगा, एक एक लेते हम, ये 6 का क्यूब है, तो आंसर होगा इसका सी, और बाकी किसी के परफेक्ट क्यूब नहीं बनेंगे क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन है। ये इसका क्यूब होता है 6 का, तो हमें जब याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इट इज द क्यूब ऑफ 6, तो परफेक्ट क्यूब हुआ 216, आंसर इज 6। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा है कौन सा परफेक्ट क्यूब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। ऑप्शन ए में दे रखा है 1152, ऑप्शन बी में दे रखा है 1331, ऑप्शन सी दे रखा है 2016 और ऑप्शन डी दे रखा है 739। तो इसका आंसर है बी, क्यों है 1331 किसके इक्वल होता है, जब इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो 11 × 11 × 11, तो ये 11 का क्यूब होता है। किसी का क्यूब आया तो परफेक्ट क्यूब हो गया, किसी भी एक नंबर का क्यूब हो, क्यूब से मतलब उस नंबर का 3 बार मल्टीपल करें तो 11 × 11 × 11 करेंगे तो 1331 आ जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब इज 1331, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसने पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 3 से पूछा है। देखो ये सिंबल होता है, यहां पर लिखा होता है क्यूब रूट 512। तो वैसे अगर हमें याद है तो बता सकते हो ये 8 का क्यूब होता है। अगर आपको याद नहीं है बाई चांस, तो क्या करेंगे हम 512 का प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड होगा 25 टाइम्स, 2 6 से 12, फिर 2 से 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, अगेन 2 से 16, अगेन 2 से 8, अगेन 2 से 4 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1, तो 9 टाइम्स आया शायद, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 टाइम्स आया। तो हम 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बन गया 3 का, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। तो क्यूब रूट क्या होता है इसका, एक एक ग्रुप बाहर निकाल लो, 3 का जो ग्रुप बनना है उसका एक प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, 2 2 2 2 2 4 2 8, तो इसका क्यूब रूट होगा 8, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, मैंने लिखा नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बंधन कैसे लिखे 502 कैसे लिखते, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, फिर ग्रुप बनाते 3 3 का और हर ग्रुप में से एक प्राइम फैक्टर बाहर लिख लेते, तो ये इसका क्यूब रूट हो गया। क्या आया आंसर, 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 125 × 64। तो ये तो ओरली हो जाएगा, 125 होता है 5 × 5 × 5 और 64 वैसे 2 × 2 में 4 में लिख देता हूँ, 4 4 16 4 64, तो 3 3 के ग्रुप पेयर बन गए, ग्रुप बन गए, तो एक प्राइम फैक्टर इसका बाहर आएगा और एक प्राइम फैक्टर इसका किसका है, 4 का, तो क्या हो गया 5 4 20। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ 20, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिविन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज, ये हमें क्यू रूट दे रखा है 64/343। तो क्यू रूट क्विक पे बनाने, 64 का तो ये बनाया था, क्या होता है 4 × 4 × 4 और 343 होता है 7 × 7 = 49, 49 × 7 = ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे याद है 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, जितने ज़्यादा हो 30 तक तो याद होनी चाहिए। ये मुझे पता है 7 का क्यूब होता है तो 7 × 7 = 7 ही आ रहा होगा, 64 होता है 4 का तो 4 × 4 × 4 ही आएगा, है ना। तो पेयर
ग्रुप बन गया थ्री का, एक बाहर आ जाएगा, इससे बाहर आ गया फोर और इससे आ गया अपॉन में सेवन, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, फोर अपॉन सेवन। क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हुआ फोर अपॉन सेवन, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 अपॉन 729। ओके 512 अभी हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में करा है, देखो एट का होता है ना, पहले आपको याद होना चाहिए। तो 512 लेकिन माइनस में है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, क्यूब रूट लिख सकते हैं माइनस एट, नहीं देखा सॉरी, इंटू माइनस एट इंटू माइनस एट, माइनस एट का आप थ्री बार मल्टीपल करोगे तो 512 आएगा, 720 होता है नाइन का, नाइन इंटू नाइन 81, 81 नाइन जो 729, तो क्यूब रूट इसका आंसर क्या होगा, ऊपर से ग्रुप बन रहा है माइनस थ्री का ट्रिपलेट बनना है, तो माइनस एट एक बार लिखेंगे और नीचे से नाइन जो ग्रुप बनता है थ्री का उसका एक प्राइम फैक्टर लिखते हैं एक बार, तो माइनस एट अपॉन नाइन इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमें ऑप्शन कौन सा है, बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, ये स्पेशली पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेवन भी आप एक्सप्लेन करें, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन समझिए। क्वेश्चन सेवन इज व्हाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें हम छोटे से छोटा कौन सा नंबर मल्टीपल करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो क्या करेंगे हम 648 के प्राइम फैक्टर करते हैं, चलिए करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 162 टाइम्स, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 9 से दे दूं मैं, चलिए 3 से दे दे रहे, 3 2 जा 3 7 जा, अगेन 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा और फिर 3 से 3 1 जा। ओके तो 648 इक्वल टू कितना हुआ, 1 2 3, 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 1 2 3 4, 4 टाइम्स, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 टाइम्स करते हैं 3 इंटू 3, तो अब इसका हम 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, 2 को 3 बार लिख लिया, 3 को 3 बार लिख लिया, अब ये 3 का ग्रुप क्या है, अनग्रुप है, तीन टाइम्स नहीं आया, तो जितने अगर मल्टीपल करना है तो जितने टाइम्स कम्स पड़ रहा है, कितने टाइम्स कर रहा है, 2 टाइम्स 3 इंटू 3 ही तो कम कर रहा है, तो इसका मल्टीपल करना होगा। सेम क्वेश्चन आता है डिवाइड, किससे डिवाइड कर दें, तो जो अनपेयर होते हैं 3 है तो हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 से 3 कट जाएगा तो भी परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, लेकिन यहां पूछा है लीस्ट नंबर किससे मल्टीपल करना है, तो हमने देखा दो तो ग्रुप बन गए, ये थर्ड जो है लास्ट वाला 3 ये अनग्रुप है, इसको कम कितने पड़ रहे हैं, 3 इंटू 3, दो 3 कम पड़ रहे हैं, तो 3 इंटू 3 का मतलब क्या आ गया, 9, तो बस आंसर हो गया बी शुड बी मल्टीप्लाई बाई 9, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए मैंने ओरली बता दिया आपको, तो बी शुड बी मल्टीप्लाई बाई 9, तो लीस्ट नंबर है वो 9, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है 9, तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज करेक्ट। समझ में आ गया ना, 648 का हमने प्राइम फैक्टर करे, जो भी फैक्टर आए प्राइम फैक्टर उसके हमने 3 3 के ग्रुप बनाए, 2 का बन गया 3 का, 3 का 3 का बन गया, एक 3 बचा, हमें इसमें मल्टीपल करना है, 3 के लिए हमें चाहिए 3, तो 2 3 कम पड़े, यानी कि 3 इंटू 3 का मतलब 9, तो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 9 से, तभी तो 3 इंटू 3 आएगा। यही सवाल डिवीजन से पूछता है, किससे हम डिवाइड करें, तो जो अनपेयर होते हैं 3 है तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचे पेयर में है तो बन जाएगा परफेक्ट क्यूब, तो डिवाइड होता तो 3 से, लेकिन मल्टीपल करना है तो 2 3 कम पड़ रहे हैं ग्रुप में, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 से हमें मल्टीपल करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है डिवाइड वाला, आगे जो भी बात कर रहे थे कि वाई बट लीस्ट नंबर शुड 1536, इसमें डिवाइड क्यों पूछ रहा है, बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, समझ में आ गया, पहले हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करें, 2 7 जा 14 कैरी 1 13 हो गया, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से
टू वन जा टू, टू नाइन जा एट्टीन, फिर टू से टू नाइन जा एट्टीन कैरी, वन टू ट्वेल्व हो गया, टू सिक्स जा, फिर अगेन टू से टू फोर जा, टू एट जा, फिर टू से टू टू जा, टू फोर जा, फिर टू से ट्वेल्व टाइम्स, फिर टू से सिक्स टाइम्स, फिर टू से थ्री, तो मुझे लग रहा है थ्री ही आंसर आएगा शायद। देखते हैं टू कितने टाइम्स आया, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, वन फाइव थ्री सिक्स इक्वल टू टू आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन टाइम्स आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और थ्री वन टाइम्स। ग्रुप बनाते थ्री थ्री के, एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, तीसरा ग्रुप बन गया, क्या बचा थ्री, तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, थ्री से। अगर ये मल्टीपल वाला होता तो इसमें टू थ्री कम पड़ना ऊपर की तरह, तो हम नाइन से मल्टीपल करते, लेकिन डिवाइड वाला पूछ रहा है तो अगर हम इसमें थ्री से डिवाइड करें, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो सब ग्रुप बनने हैं, है ना। जो नंबर बचता है, जो अनपेयर है, अगर थ्री टू टाइम्स होता तो नाइन से डिवाइड, ये नहीं, ये भी हो सकता था थ्री इंटू फोर, सॉरी थ्री इंटू फाइव, तो थ्री भी आ जाता, फाइव भी, तो डिवाइड की बात चल रही होती तो थ्री से इंटू फाइव क्या था, फिफ्टीन से डिवाइड करते। तो यहाँ आया खाली थ्री, जो है एक थ्री ऐसा बचा जो अनग्रुप है, जिसको थ्री का ग्रुप में नहीं है, तो हम इसी से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड नंबर क्या हो गया थ्री, तो बी शुड बी डिवाइडेड बाई थ्री। क्वेश्चन नंबर एट था, जो कि हमें ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, ये तो सिंपल है, वन होल थ्री अपॉन टेन का होल क्यूब पूछा है, चलते हैं, ये क्या हो गया, टेन बन जा टेन और थ्री थर्टीन अपॉन टेन का क्यूब, ओके, तो थर्टीन का क्यूब क्या होता है, याद होना चाहिए, ये होता है टू वन नाइन सेवन, टेन का क्यूब तो आप जानते हो, टेन इंटू टेन इंटू टेन थाउजेंड आ जाएगा, ओके। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, थाउजेंड का टू में टू थाउजेंड हो गया, और कितना बचा, वन हंड्रेड नाइन्टी सेवन, तो टू होल 197 अपॉन थाउजेंड, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हालांकि उसने केवल चार पांच ही क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन ये छोटी एक्सरसाइज थी तो मैंने इसलिए पूरी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, 0.8 का क्यूब फाइंड करना है, 8 का क्यूब तो हमने ऊपर कई बार दो बार आ चुका, 512 होता है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, 0.8 इंटू पॉइंट एट इंटू पॉइंट एट, एट एट जा सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर एट जा फाइव हंड्रेड ट्वेल्व होता है। अब डेसिमल कितने प्लेस किया है, वन टू थ्री, थ्री प्लेस किया, वन टू थ्री, तो आंसर हो गया 0.512। ये जिसकी बुक उसने गलत कर रखा है, ये पर टिक कर रखा है, जबकि ये सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज जिन्होंने भी पूछी है उनको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछिए, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपके फ्रेंड्स ICSE बोर्ड में हैं तो इस मेरे चैनल पर ICSE और CBSE दोनों के सिलेबस चल रहा है, 6 to 10 तक के सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपके दोस्त ICSE बोर्ड में, तो आप उनको बता सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और शुरू से 6 से लेकर 10 तक की सेलिना पब्लिशर कॉन्साइट मैथमेटिक्स करके जो है, जिसके राइटर है आरके बंसल, वो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ICSE में, उसके बाद मैं ML खन्ना की बुक सॉल्व करूँगा, और CBSE में RS अखबार और NCERT दोनों बुक चल रही है। RS अखबार पूरी कंप्लीट हो चुकी है और NCERT चल रही है। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।